जो लोग मैजिक पे भी यकीन करते हैं वो भी सुपरस्टिशंस को मानते हैं. जैसे अगर उनका बच्चा नहीं, मतलब इफ ही और शी इज शोइंग सम टेंट्रम्स और अच्छा बिहेव नहीं कर, नजर लग गया या इसने ना वो कर दिया, जादू आया हुआ मेरे बच्चे पे, बड़ा अच्छा था, मेरी सारी बातें मानता था, पता नहीं इसको किसी ने नौकरी बांध दी, पैसे बांध दिए, पता नहीं क्या क्या बांध दिए. हाँ, उसमें फिर ये कि फिर रिलीजियस डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजों की शिवायत मिलती है, डिफरेंट चीजें होती हैं. नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा. इस सेगमेंट में हमारी रिसर्चर नक्श काजी हमारे साथ होती है और वो हर बार कोई ना कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की रिसर्च लेके आती है, तो आज उनसे पूछते हैं. तो वेलकम करते हैं आपको नक्श, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आज हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए आप क्या लेके आई, कौन सी रिसर्च लेके? आज इंशाल्लाह टॉपिक अच्छा होगा. ये क्या ये क्या था? ये फिंगर क्रॉस्ड. हाँ, आपने सुना फिंगर क्रॉस्ड? हाँ, बिल्कुल. सुपरस्टिशन. सुपरस्टिशन, यस. ठीक है, आज हमने बात ही सुपरस्टिशन, यस, आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है. और ये टॉपिक जो है इसकी साइंटिफिक, मतलब जो आपकी सुपरस्टिशंस है उनकी साइंटिफिक कोई वैल्यू नहीं होती. ठीक है, ये इलॉजिकल होते हैं, इरेशनल होते हैं. ये क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ों की वजह से इनको मानने लगते हैं. आपके आपके क्योंकि बड़े कह गए या वो प्रैक्टिस उस तरह करते थे तो आपने भी उसको फॉलो कर ली, या आपको पता ही नहीं है कि हम क्यों कह रहे हैं, हमने सुना है तो हमें लगता है कि ऐसे होना चाहिए. क्योंकि ना लोग ना बेसिकली सुपरस्टिशंस जो ना लक से जुड़े होते हैं. ठीक है, गुड लक या बैड लक से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उसी से होगा, ये इसका कनेक्शन भी उसी तरह था. बिल्कुल. ठीक है, तो होता ये है कि लोग, क्योंकि लक एक ऐसी चीज़ है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है. हमारा फ्यूचर हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होना है कैसे. लेकिन एग्जांपल, जो हमारे मॉइस्चर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हम क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या तो उनका इल्ज़ाम किसी और चीज़ पर डाल देते हैं, या ये सोचते हैं कि ये करने से ये नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्ली काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कहेंगे ये काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अभी रास्ता बदल दो. हाँ, रास्ता बदल दो. और अगर नहीं बदला और कुछ हो जाता, देखिए आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ रहेगी पूरा दिन. ठीक है, कि आज काली बिल्ली ने रास्ता काटा. उस बेचारी मस्किन को पता भी नहीं होगा, लेकिन इल्ज़ाम सारा उस पर आएगा जब भी कुछ बुरा होगा. अच्छा नक्श, ऐसा भी तो होता है कि आपने नई ड्रेस पहनी और किसी ने मिलकर बड़ी तारीफ कर दी और आप जाते ही वो कहीं गिर गए और वो ड्रेस फट गई या उसको कोई दाग लग गया, तो तब भी बंदा कहता है लेकिन फिर वही बात है कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट बिलीव्स होते हैं और हर कोई हर उसको बिलीव को नहीं मानता. तो ये चीज भी, खैर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको उस तरह से डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसमें ये होता है कि जब कोई कुछ कहता है ना, आप इसको इस तरह से समझें कि जब कोई कुछ कहता है ना तो हमारे बैक ऑफ माइंड में वो चीज रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीजर्स खाली नहीं चलाएं, लड़ाई हो जाएगी. अब सीजर का क्या ताल्लुक है किसी लड़ाई? अच्छा, नेल अम्मी अबू की लड़ाई होती है. नाखून काटने से भी कुछ लोग कहते हैं शाम को नहीं काटने चाहिए. हाँ, या वो भी से? वो भी है. अच्छा, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, वुड, ये वुड को नॉक करना, ये दैट वाज टच वुड. अच्छा, सुना टच वुड, ये भी होता है. हाँ हाँ, जब कोई कहते हैं कि आप तो आज बड़ी प्यारी लगी, टच वुड. हाँ, लिटरली हाँ होता है. सही बात है, टच वुड. ये दिस इज फ्रॉम दिस इंग्लिश ब्रिटिश कल्चर, जिसमें ना वुड को नॉक करने से गुड लक निकलती. और वो नेक्स्ट नंबर 13 का भी तो है. तेरा नंबर 13 का भी है. कुछ में नंबर 13 को जो है वेस्टर्न उसमें समझा जाता है बुरा. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनके रूम्स या उनके फ्लोर्स नहीं होते. इसी तरह जो जैपनीज या जो चाइनीज हैं वो नंबर 4 को उस तरह बुरा समझते हैं. तो उनके नंबर 4 का कोई ज्यादा अमल कुछ नहीं होता. नंबर 4 वो नहीं रखते. नहीं, उसका तीसरे के बाद डायरेक्ट पांचवा फ्लोर. हाँ, ऐसे करते हैं. कलर्स को भी ऐसे करते हैं. कि जी ब्लैक कलर नहीं पहनना. जैसे आप देखो शादी के मौके, लड़कियों को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है, लेकिन हम शादियों के मौके पर नहीं पहन सकते क्योंकि ब्लैक कलर नहीं, नहीं ब्लैक नहीं पहनना. शगुन, ठीक है, शगुन के तौर पर. हाँ, बदशगुनी जब कोई नई गाड़ी लेते हैं तो नीचे काला कपड़ा बताना चाह रहे थे कि जी हमारी जो है ना चीज जो है उसमें नजर ना लग जाए. ये देखिए क्या हो गया मेरे साथ, नजर लग गई है. तो वो फिर इसी वजह से फियर ऑफ अननोन की वजह से आपको पता ही नहीं है आप किस चीज से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं. ठीक है, लेकिन आप डर रहे हैं. जो लोग मैजिक नहीं जाना चाहिए वहां से आपको कुछ लग जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं. फियर ऑफ अननोन ना. ठीक है, और जो लोग मैजिक पे भी यकीन करते हैं वो भी सुपरस्टिशंस को मानते हैं. जैसे अगर उनका बच्चा नहीं, मतलब इफ ही और शी इज शोइंग सम टेंट्रम्स और अच्छा बिहेव नहीं कर,
नजर लग गया या इसने ना वो कर दिया, जादू आया हुआ मेरे बच्चे पे, बड़ा अच्छा था, मेरी सारी बातें मानता था, पता नहीं इसको किसी नौकरी बांध दी, पैसे बांध दिए, पता नहीं क्या क्या बांध दिया। हाँ, उसमें फिर ये कि फिर रिलीजियस डिटेल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजों की शिवायत मिलती है, डिफरेंट चीजें होती हैं। टूटे हुए सितारे को देख के कुछ लोग, टूटे हुए सितारे को फिर पता लगा जी सितारा ही नहीं है वो, यही बात है, ठीक है, वीजा ना लगे, सफरी बंदिश है बस। अच्छा, खारिश राइट हैंड में इचिंग होगी तो पैसे आएंगे, लेफ्ट में होगी तो निकलेंगे, इसके बारे में पैरों भी होगी तो जो आपकी मैग्नीशियम की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो आपकी आंख जो है वो फड़कना शुरू कर देगी। आप ये बताइए, रिसर्च आपने की है या हमने की है? देखिए ये तो हमारे सुपरस्टिशन तो हर जगह ही है ना, ये तो इसीलिए मेरा दिल था कि आज हम इस पे करते हैं बात, क्योंकि सारी इलॉजिकल बातें लगता है आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप बताएं पाकिस्तान के पेज पर आके कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो इससे मिलती है, कौन से सुपरस्टिशंस पे आप यकीन रखते हैं और आपके साथ होती भी रहती है। लोग गुड लक चार्म्स यूज करते हैं, ये फोर क्लोवर लीव जो होता है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो गुड लक है। कुछ लोगों के नंबर्स होते हैं कि ये मेरा नंबर्स होते हैं, लकी नंबर होता है, खैर वो फिर उसमें चला जाएगा, एस्ट्रोलॉजी और इस तरह की चीजों में आ जाएगा। उसको अगर ना भी बात करें, मेरा लकी पेन, इससे मैं पेपर दूंगा तो मेरा पेपर बड़ा अच्छा होगा, ये लोग करते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो हो सकता है, साइकोलॉजिकल है ना, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल है जो चीज आपको बेसिकली ये होता है क्यों है कि जब आपने ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस की होती है ना एक चीज़, तो वो आपकी यकीन में बदल जाती है। जैसे कि अगर मैंने एक दफ़ा एक पेन से लिखा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, दूसरी दफ़ा भी लिखा मुझे लगेगा ये पेन में कुछ है, ठीक है, वो मैं अपने आप को छोड़ के ना उसके ऊपर यकीन करने लगूंगी, ठीक है, कि हाँ इसकी वजह से वो होगा। सोल्यूशन है कोई? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी ना बहुत डीप रूट्स हैं कल्चर में, हिस्ट्री में, कुछ रिलीजन से भी निकल आती हैं, और क्योंकि वो पास ऑन हो रही होती हैं, आप अगर कोशिश भी कर रहे हो वो ये सकता है कि आप ना यकीन करें, जैसे काली बिल्ली आपको पता है कोई फर्क नहीं है नंबर से, कोई फर्क नहीं है, कि नया घर बनाते हैं तो टूटा हुआ मटका रख देते हैं ऊपर, वही ना, कि नजर ना लगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसमें ये ना मुझे लगता है कि इसका इसलिए कुछ आप अपने तौर पे कर सकते हैं, आप खुद एक स्टेप उठा सकते हैं कि आप ये करें कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होता, और आप आगे भी कोशिश करें कि बच्चों पे भी आप देखो, बच्चों को भी एक चीज हैमर करो ना तो बच्चों के जहन में बैठ जाती है, बच्चे तो वही फॉलो करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन कैसे कैसे हम डाल रहे हैं, हम ऐसे ही डाल रहे हैं ना, जैसे ये जो है ये टूथ फेरी जो है रियल नहीं है टूथ फेरी, लेकिन जब हम बच्चों को कहते हैं आप दांत रखेंगे तो पैसे आएंगे तो वो मानते चले जाते हैं उस बात को कि हाँ ऐसा होगा, अनलेस कि वो उनका वो ठीक है। बहुत शुक्रिया दक्ष, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था आज आपका कि ना यकीन किया करें, अपने इर्द गिर्द जितने भी सुपरस्टिशियस लोग हैं इनसे दूर रहें, और इस तरह की सुपरस्टिशन बातों से दूर रहें, और तो हम परस्ती से दूर रहें तो खुश भी रहेंगे और मामला भी सेट रहेंगे, दिमाग भी सेट रहेगा।